आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तहतर। नमस्कार, मैं हूं सादिया खान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तहतर। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। देश भर में गुरु नानक का प्रकाश उत्सव कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। सिख धर्म के अनुयायी इस दिन को प्रकाश उत्सव और गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं। इस दिन देश भर के सभी गुरुद्वारों में मत्था टेकने वालों की भीड़ जमा होती है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इस वर्ष गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती को लेकर देश भर में कई बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नानक जी की 550वीं जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ भी कार्यक्रम में पहुंचे। न्यूज लाइव के वरिष्ठ संवाददाता बालेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। 550वें प्रकाशोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित अध्यक्ष गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी और इस कार्यक्रम के संयोजक सरदार राजेंद्र सिंह बग्गा जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय मंत्रीगण श्री आशुतोष टंडन जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, सरदार बलदेव सिंह गोलक जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, मान्य विधायक श्री सुरेश तिवारी जी, प्रमुख सचिव अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, डीजी ईओडब्ल्यू सरदार आरपी सिंह जी, गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के सचिव सरदार हरमिंदर सिंह टीटू जी, सरदार अरविंदर पाल सिंह नीता जी, सरदार हरपाल, कोटि कोटि बधाई देता हूं। आज से 550 वर्ष पहले धर्म और सत्य के जागरण के लिए जिस प्रकाश कुंज का प्राकट्य होता है, जाने की जैसे अन्य पवित्र गुरुद्वारों में हम दर्शन कर पाते हैं, ऐसे में यहां पर भी जा पाए और इस बार यह सपना भी साकार हुआ है। मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि पहल आज करतारपुर साहब के साथ हम सबके सामने इस रूप में आई है। और वह दिन दूर नहीं होगा जब ननकाना साहब में भी हम सब इसी प्रकार से जाने में सफल होंगे। आज से 550 वर्ष पहले जो ज्योतिपुंज अपना ज्ञान का प्रकाश प्रदान करने के लिए मानवता जो उस समय विदेशी हमलों को से जूझ रही थी, धर्म और सत्य नष्ट हो रहा था, उस कालखंड में जिस तेजस्विता के साथ ज्ञान के उस प्रकाश को फैलाने के लिए इस धराधाम पर आती है गुरु नानक देव जी के रूप में, वह ज्योतिपुंज केवल भारत तक सीमित नहीं थी।
नैमिषारण्य सीतापुर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर धर्म की नगरी नैमिषारण्य में राजघाट पर आदि गंगा गोमती पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, दान पुण्य कर ईश्वर से मंगल कामना मांगी। इस अवसर पर गोमती आरती समिति के प्रमुख बलराम शास्त्री ने भक्तों को विधि विधान से पूजा अर्चना कराई, जिसमें हजारों भक्तों ने पुरोहितों को गोदान अन्नदान दान किया। वहीं शाम को गोमती आरती में भारी भीड़ जुटी। इस अवसर पर धीरेन्द्र श्रीवास्तव, योगेश शुक्ला, देश बंधु तिवारी, आशुतोष, डॉक्टर शिव नारायण याज्ञिक सम्राट आदि लोग उपस्थित रहे। वहीं चक्र तीर्थ पर पंडित राज नारायण के द्वारा श्रद्धालुओं को विधिवत पूजा पाठ कराया गया। सीतापुर से हमारे कैमरामैन आशुतोष के साथ धीरेन्द्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ओम जय गोमती माता, पुत्री तो कलयुग की त्राता, मैया तो कलयुग की त्राता, अमृत सोये जल तेरु। अब समय हो चुका है ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी लखनऊ, जय हिंद ड्राई क्लीनर्स एंड डायर्स। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए रेड बटन को प्रेस करें और आइकन बेल दबाना ना भूलें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक।